आपके YouTube चैनल टारगेट इन मानवी में आप लोगों का स्वागत है। अभी अभी बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आई है, आर्मी रैली भर्ती 2020 पूरे भारत के लिए है। यहाँ पे उन लोगों के लिए भर्ती निकल के आई है जो लोग हाई आर्मी की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इंडियन आर्मी ओपन रैली भर्ती 2020 डिटेल्स। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि नंबर ऑफ पोस्ट मेंशन नहीं की गई है, लेकिन पोस्ट नेम यहाँ पे आप लोगों को बता दें तो यहाँ पे सोल्जर जनरल ड्यूटी मतलब GD एंड नंबर टू आप देख सकते हैं कि ट्रेड्समैन जो होंगे वो 8th पास मतलब जो 8th पास होंगे उनके लिए निकली है, और ट्रेड्समैन 10th पास जो लोग 10th पास किए हैं उनके लिए है यहाँ पे। और आप देख सकते हैं कि आर्मी फिजिकल टेस्ट डिटेल, यहाँ पे फिजिकल टेस्ट में क्या लिया जाएगा फॉर सोल्जर ट्रेड्समैन जनरल ड्यूटी मतलब GD पोस्ट में आपको 170 सेंटीमीटर अगर आपकी हाइट है तो आप लोग ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और क्लर्क हब पोस्ट के लिए आपको 162 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, एंड ऑल नॉर्थ इंडियन जोन कैंडिडेट के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, और वेट आपका 50 kg होना चाहिए। अब यहाँ पे आपको बता देते हैं चेस्ट आपका कितना लिया जाएगा, तो चेस्ट आपका 77 होना चाहिए, और फुलाने के बाद में आपका 5 सेंटीमीटर और होगा मतलब कि 77 और प्लस 5 सेंटीमीटर और लिया जाएगा ओनली फॉर मेल कैंडिडेट के लिए, ये बताया जा रहा है ठीक है। और रनिंग टेस्ट में आपका हो जाएगा 1600 मीटर मतलब 1.6 किलोमीटर आपकी रेस ली जाएगी। और यहाँ पे आपको हम बता दे रहे हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अप्लाई मोड मतलब ये डायरेक्ट भर्ती होगी यहाँ पे ना, और हु कैन अप्लाई ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। एंड आर्मी रैली एप्लीकेशन फी ऑल कैंडिडेट एप्लीकेशन फी फ्री मतलब कि आपकी कोई भी फ़ी नहीं लगेगी, वो फ्री में होगा। एज लिमिट आपको यहाँ पे बताई जा रही है कि जनरल ड्यूटी मतलब GD के लिए कैंडिडेट एज लिमिट शुड बी 17 मतलब 17.5 साल से 21 साल तक वाले अप्लाई कर सकते हैं, एंड अदर पोस्ट कैंडिडेट एज लिमिट शुड बी 17.5 साल से 23 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। नॉट एज रिलैक्सेशन SC ST एंड OBC मतलब एज रिलैक्सेशन यहाँ पे कोई भी नहीं होगा यहाँ पे। और दे सकते हैं आपको SC ST एंड 5 ईयर्स और OBC के लिए 3 साल तक हुआ यहाँ पे। और आप लोग दे सकते हैं आर्मी रैली में ऑनलाइन एप्लीकेशन मतलब क्या आपके डॉक्यूमेंट लगेंगे मतलब DV आपकी क्या लगेगी, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि एजुकेशन सर्टिफिकेट जो कि 8th 10th पास होगा और 12th पास होना चाहिए, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, स्कूल करेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा, अनमेरिड सर्टिफिकेट लगेगा, और एफिडेविट लगेगा, पैन कार्ड आधार कार्ड। तो ये सब आप लोग डॉक्यूमेंट अपने रेडी रखिएगा और लेकर जाइएगा जब आपकी रैली भर्ती होगी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। सलेक्शन प्रोसेस में आपका सबसे पहले फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा, फिर मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा, फिर रिटन एग्ज़ाम होगा। और यहाँ पर आप लोगों को हम बता रहे हैं कि इम्पॉर्टेंट डेट कब से आपकी रैली भर्ती होंगी, तो रैली डेट से आपकी 17 नवंबर से 2020 टू 27 नवंबर 2020 मतलब 17 नवंबर 2020 से स्टार्ट होंगी आपकी रैली भर्ती, और 27 नवंबर 2020 तक होंगी। स्पोर्ट ट्रायल आपका 10 नवंबर 2020 से होगा, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम आपका 31 जनवरी 2021 तक होगा। तो आप लोगों का टाइम आ गया, आप लोग अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करिए क्योंकि अब आपको डेट भी दे दी गई है, तो आप लोग मतलब ये आप लोगों का टाइम आया कि आप लोग प्रिपरेशन में लग जाइए। और आपका सबसे पहले फिजिकल टेस्ट होगा, तो फिजिकल टेस्ट के लिए आप लोग अपनी रेस वेस में पूरी तैयार रखिए। अगर आपको चैनल मेरा अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।